हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द डिफरेंस बिटवीन रेट लॉ एंड लॉ ऑफ मास एक्शन। सो द रेट लॉ एंड लॉ ऑफ मास एक्शन बोथ गिव्स द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। तो इन दोनों ही लॉज से हम किसी भी केमिकल रिएक्शन की रेट को कैलकुलेट कर सकते हैं। सो व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन रेट लॉ एंड लॉ ऑफ मास एक्शन? सो लॉ ऑफ मास एक्शन इज ए थ्योरेटिकल कंसेप्ट टू कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन, एंड रेट लॉ इज एन एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट एंड इट इज़ यूज टू कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन। सो बोथ द लॉज आर यूज टू कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शंस। सो कब हम लॉ ऑफ मास एक्शन को अप्लाई करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट करने के लिए, और किस कंडीशन में हम रेट लॉ को यूज़ करेंगे किसी केमिकल रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट करने के लिए? तो जब भी हम किसी केमिकल रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट करेंगे विदाउट एनी एक्सपेरिमेंट, तो हम वहाँ पर लॉ ऑफ मास एक्शन को यूज़ करेंगे टू कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन। और जब हम किसी केमिकल रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट करते हैं बाय परफॉर्मिंग एन एक्सपेरिमेंट, देन वी यूज़ रेट लॉ। तो किस कंडीशन में हम रेट लॉ को यूज़ करेंगे किसी केमिकल रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट करने के लिए, और किन कंडीशंस में हम लॉ ऑफ मास एक्शन को यूज़ करेंगे किसी केमिकल रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट करने के लिए? तो अभी हमने देखा कि जो रेट लॉ और लॉ ऑफ मास एक्शन है, इन दोनों से ही हम किसी केमिकल रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं। सो व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन देम? सो लॉ ऑफ मास एक्शन इज अप्लीकेबल ओनली फॉर एलिमेंट्री रिएक्शंस और सिंपल रिएक्शंस, एंड रेट लॉ इज अप्लीकेबल ओनली फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस टू कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन। तो एलिमेंट्री रिएक्शंस और कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस में क्या डिफरेंस होता है? तो सो एलिमेंट्री रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस विच कम्प्लीट्स इन सिंगल स्टेप और वन स्टेप, एंड द कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस विच कम्प्लीट्स इन मोर देन वन स्टेप। इट मीन्स वो रिएक्शंस एलिमेंट्री रिएक्शंस होंगी जिनमें केवल एक ही स्टेप में हमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट मिल जाएगा, और वो रिएक्शन कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होंगी जिनमें हमें सिंगल स्टेप में प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। तो उन रिएक्शंस में जो रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं उनमें एक से ज़्यादा स्टेप होंगे, उन मल्टीपल स्टेप्स के थ्रू ही वो रिएक्टेंट्स कन्वर्ट होते हैं प्रोडक्ट्स में। तो वो रिएक्शंस जो कंप्लीट होंगी इन मोर देन वन स्टेप आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस, एंड दोज रिएक्शंस विच कंप्लीट्स इन सिंगल स्टेप आर कॉल्ड द एलिमेंट्री और सिंपल रिएक्शंस। और कई बार हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस को नॉन एलिमेंट्री रिएक्शंस भी बोलते हैं। तो क्या एग्जांपल्स होंगे एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के? अब हम यहाँ पर एक दो एग्जांपल लेकर डिस्कस करेंगे। तो जैसे आयनिक रिएक्शंस होती हैं, या रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन या रेडियो एक्टिव डीके होगा किसी सब्सटेंस का, वो एलिमेंट्री रिएक्शंस होंगी क्योंकि वो रिएक्शन सिंगल स्टेप में ही हमें प्रोडक्ट दे देते हैं। तो जिस तरह से यहाँ हम एग्जाम्पल लिखेंगे, एक NaOH प्लस H2SO4, जब हम रिएक्शन करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड की, तो हमें मिलेगा सोडियम सल्फेट प्लस H2O। तो जब हम इसको बैलेंस करेंगे, यहाँ पर NaOH के टू मॉलिक्यूल्स हमें लेने पड़ेंगे, तो यहाँ पर भी हम वाटर के आगे टू लिख देंगे। तो अब ये रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। तो ये रिएक्शन सिंगल स्टेप में क्यों होती है? क्योंकि इन रिएक्शंस को करने के लिए हमें एक्वस सॉल्यूशंस यूज़ करने होंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड के, और सोडियम हाइड्रोक्साइड के एक्वस सॉल्यूशन में प्रेजेंट होंगे सोडियम और हाइड्रोक्साइड आयन, और जो एक्वस सॉल्यूशन होगा सल्फ्यूरिक एसिड का उसमें प्रेजेंट होंगे हाइड्रोजन आयन्स और सल्फेट आयन्स। तो जब हम इन दोनों सॉल्यूशंस को मिक्स करते हैं तो वहाँ सिर्फ कम्बिनेशन होगा, और वो कम्बिनेशन सिंगल स्टेप में ही कंप्लीट हो जाता है, और इससे हमें मिलते हैं प्रोडक्ट सोडियम सल्फेट और दो वाटर मॉलिक्यूल। तो इस तरह से जो रिएक्शंस सिंगल स्टेप में ही कंप्लीट हो जाती हैं, या जिनमें रिएक्टेंट्स सिंगल स्टेप में ही प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, उन रिएक्शंस को हम बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शंस। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस कौन सी होंगी? तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस क्या होंगी? नॉन आयनिक रिएक्शंस
जो कंप्लीट होंगी इन मोर देन वन स्टेप आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस, और मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक रिएक्शंस आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस बिकॉज दीज रिएक्शंस कंप्लीट्स इन मोर देन वन स्टेप। तो यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लूँगा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का, जिसमें हम डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 को देखेंगे कि किस तरह से N2O5 का डिकम्पोजिशन होगा इनटू NO2 एंड O2। तो इसके लिए बैलेंस करेंगे तो हम इस केमिकल रिएक्शन को, तो 2N2O5 मॉलिक्यूल्स का जब डिकम्पोजिशन होगा तो हमें मिलेंगे 4NO2 मॉलिक्यूल्स एंड 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो दिखने में ये रिएक्शन बड़ी सिंपल लग रही है, लेकिन ये रिएक्शन 2 स्टेप्स में कंप्लीट होती है, और जब ये 2 स्टेप्स में कंप्लीट होगी तो इसमें कुछ ना कुछ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स भी बनेंगे। जब ये रिएक्शन 2 स्टेप्स में कंप्लीट हो रही है तो इसमें कुछ तो इस रिएक्शन में कुछ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स भी बनेंगे। तो इसका मतलब रिएक्टेंट्स पहले कन्वर्ट होंगे इंटरमीडिएट प्रोडक्ट में, और वही इंटरमीडिएट प्रोडक्ट रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके फाइनल प्रोडक्ट हमें दे देता है। तो किस तरह से होगी ये रिएक्शन, तो N2O5 का जो मॉलिक्यूल होगा वो डिकम्पोज हो जाएगा इनटू NO2 एंड NO3, और ये इंटरमीडिएट स्पीशीज है, और ये हमें फाइनल प्रोडक्ट मिल रहा है इस केमिकल रिएक्शन का। तो यही इंटरमीडिएट प्रोडक्ट दूसरे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के साथ, और वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल क्या होगा N2O5, इसके साथ जब ये रिएक्शन कर लेता है तो हमें 3 मॉलिक्यूल्स NO2 के मिलते हैं और एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मिलता है। इस तरह से हमने देखा कि जो N2O5 का डिकम्पोजिशन है वो दिखने में सिंपल रिएक्शन है, लेकिन वो सिंपल रिएक्शन नहीं है, वो एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, क्योंकि जो यहाँ पर डिकम्पोजिशन हो रहा है 2N2O5 मॉलिक्यूल्स का, वो 2 स्टेप्स में हो रहा है। तो फर्स्ट स्टेप में सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ N2O5 का डिकम्पोजिशन होगा, और वहाँ से हमें एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट मिलेगा NO3, और वही NO3 इंटरमीडिएट प्रोडक्ट दूसरे N2O5 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करके हमें फाइनल प्रोडक्ट NO2 देगा, और उसके साथ साथ हमें ऑक्सीजन मॉलिक्यूल भी मिलता है। जब इसके लिए हम ओवरऑल रिएक्शन लिखेंगे तो यहाँ NO3 से NO3 कैंसिल हो जाएगा और हमें मिलेगा 2N2O5 4NO2 प्लस O2। तो जो ये रिएक्शन यहाँ हमें मिलती है वो 2 स्टेप्स में कंप्लीट होती है, लेकिन देखने में ये हमें सिंपल रिएक्शन लग रही है। तो इस तरह की रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। सो एलिमेंट्री और सिंपल रिएक्शंस आर दोज विच कंप्लीट्स इन सिंगल स्टेप, एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस आर दोज रिएक्शन विच कंप्लीट्स इन मोर देन वन स्टेप्स। तो जो लॉ ऑफ मास एक्शन इज अप्लीकेबल ओनली फॉर एलिमेंट्री रिएक्शंस, एंड रेट लॉ इज अप्लीकेबल ओनली फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। सो द रेट लॉ किसके लिए अप्लीकेबल होगा, रेट लॉ इज अप्लीकेबल ओनली फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस, एंड लॉ ऑफ मास एक्शन इज अप्लीकेबल ओनली फॉर एलिमेंट्री और सिंपल रिएक्शंस, एलिमेंट्री और सिंपल रिएक्शंस। तो अब हम डिफाइन करेंगे रेट लॉ को कि क्या है रेट लॉ और लॉ ऑफ मास एक्शन को। तो लॉ ऑफ मास एक्शन को डिफाइन करने से पहले हम एक एग्जांपल लेंगे इस हाइपोथेटिकल केमिकल रिएक्शन का, जिसमें ए मोल्स ऑफ ए रिएक्ट विद बी मोल्स ऑफ बी एंड वी गेट सम प्रोडक्ट सी एंड डी, या हम ये कह सकते हैं व्हेन ए मोल्स ऑफ ए रिएक्ट विद बी मोल्स ऑफ रिएक्टेंट बी देन वी गेट सम प्रोडक्ट्स। तो किस तरह से हम इस केमिकल रिएक्शन के लिए एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखेंगे जिससे हम कैलकुलेट कर सकेंगे इस केमिकल रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन को। तो किस तरह से हम इस केमिकल रिएक्शन के लिए लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग रेट ऑफ रिएक्शन के लिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखेंगे, सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे क्या है लॉ ऑफ मास एक्शन। तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
product of active masses of all reactants and each one is raised to power equal to their stoichiometric coefficient in a balanced chemical equation. तो जब भी हम किसी chemical equation के लिए rate of reaction लिखेंगे according to law of mass action, तो सबसे पहले हमें उस chemical equation को balanced form में लिखना होगा और उसके बाद जो रेट ऑफ रिएक्शन के लिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखेंगे वो किस तरह से लिखेंगे कि जो रेट ऑफ रिएक्शन रहेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसका, प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ ऑल रिएक्टेंट्स. तो उस केमिकल रिएक्शन में जितने भी रिएक्टेंट्स होंगे उन सब रिएक्टेंट्स के एक्टिव मासेस को हम मल्टीप्लाई करेंगे और जो रिएक्टेंट्स होंगे जिनके एक्टिव मासेस को हम उस इक्वेशन में यूज़ करेंगे उनकी पावर होगी उन रिएक्टेंट्स की स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट. तो किस तरह से हम लिखेंगे उस इस केमिकल रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन. तो जो अपनी केमिकल इक्वेशन थी वो क्या थी, जिसमें ए मोल्स ऑफ ए रिएक्ट विद बी मोल्स ऑफ बी एंड वी गेट सम प्रोडक्ट. तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन क्या रहेगा इस केमिकल रिएक्शन के लिए, रेट ऑफ रिएक्शन के लिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन. तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेज ऑफ रिएक्टेंट्स ए एंड बी एंड सम पावर्स आर रेज टू द एक्टिव मासेज ऑफ बोथ रिएक्टेंट्स ए एंड बी एंड दीज पावर्स आर इक्वल टू देयर स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशियंट ऑफ दीज रिएक्टेंट्स. तो यहाँ पर जो रिएक्टेंट ए का जो एक्टिव मास है उसकी पावर लिखेंगे जो इसका स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशियंट होगा, और जो एक्टिव मास होगा रिएक्टेंट बी का उसकी पावर में आएगा जो इस रिएक्टेंट का स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशियंट होगा. तो इस तरह से हम किसी केमिकल इक्वेशन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखेंगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन. तो जब हम इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को रिप्लेस करेंगे बाय द साइन ऑफ इक्वलिटी तो ये इक्वेशन हो जाएगी रेट ऑफ रिएक्शन या रेट इज इक्वल टू के इनटू एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट ए रेज टू पावर ए इनटू एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट बी रेज टू पावर बी. तो इस तरह से हम लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे किसी केमिकल रिएक्शन के लिए और उस केमिकल रिएक्शन को हमें बैलेंस फॉर्म में लिखना होगा. तो के क्या है यहाँ पर, के इज ए कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड दिस कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इज कॉल्ड रेट कॉन्स्टेंट ऑफ रिएक्शन. तो यहाँ पर जो के हमने यूज़ किया है स्मॉल के, इट इज़ कॉल्ड रेट कॉन्स्टेंट ऑफ रिएक्शन. तो यहाँ हमने एक वर्ड यूज़ किया है लॉ ऑफ मास एक्शन में, एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट्स. तो एक्टिव मास है क्या, एक्टिव मास इज नथिंग बट इट इज़ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स. तो एक्टिव मास क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इन गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. तो जो सॉल्यूशन हमें रिएक्टेंट का दिया गया है उस पर्टिकुलर वॉल्यूम में कितने मोल्स होंगे उस रिएक्टेंट के, तो वही क्या है, एक्टिव मास रहेगा उस पर्टिकुलर रिएक्टेंट का. तो किस तरह से हम एक्टिव मास को कैलकुलेट कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर रिएक्टेंट के लिए, तो मान लेते हैं कि यहाँ पर हमने एक सॉल्यूशन लिया है जिसमें 20 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट है इन वी लीटर ऑफ सॉल्यूशन. तो हमारे पास एक सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन है और उसका वॉल्यूम कितना है, वी लीटर है, और उस वी लीटर सॉल्यूशन में 20 ग्राम NaOH प्रेजेंट है. तो यहाँ पर जो एक्टिव मास हम कैलकुलेट करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड का, एक्टिव मास ऑफ NaOH वो क्या रहेगा, तो 20 क्या है, मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ NaOH डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. तो जो मोलर मास रहेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड का वो कितना है, 40 है, और वॉल्यूम कितना है सॉल्यूशन का, वी लीटर है.
तो 1/2 डिवाइडेड बाई वी लीटर। अगर यहाँ पर हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना लेते हैं, 500 ml लेंगे, तो किस तरह से हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के एक्टिव मास को कैलकुलेट करेंगे, तो 1/2 डिवाइडेड बाई 500 डिवाइडेड बाई 1000, क्योंकि हम वॉल्यूम को किस में रिप्रेजेंट करेंगे, लीटर में। तो क्या आ जाएगा, 1/2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 500, तो क्या होगा, 500 × 1000 और 2 से 2 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो जो एक्टिव मास रहेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड का वो क्या रहेगा, यहाँ पर 1। तो इस तरह से हम किसी भी रिएक्टेंट के एक्टिव मास को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक्टिव मास इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इन गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और उस रिएक्टेंट के एक्टिव मास को हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं जब हमें पता हो कि कितनी अमाउंट रहेगी उस रिएक्टेंट की इन ए गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो जब भी हम किसी केमिकल रिएक्शन के लिए जो सिंपल रिएक्शन होगी, सिंपल मींस विच कंप्लीट्स इन सिंगल स्टेप, तो उसकी रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे हम अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। और लॉ ऑफ मास एक्शन क्या बताता है हमें, कि द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेज ऑफ रिएक्टेंट एंड ईच वन इज रेज टू पावर इक्वल टू देयर स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशियंट। तो जो एक्टिव मासेज की जो पावर हम यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे जो उस बैलेंस केमिकल इक्वेशन में उन रिएक्टेंट्स की स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशियंट होगी। तो अब हम डिस्कस करेंगे रेट लॉ को, और रेट लॉ इज अप्लीकेबल ओनली फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एंड रेट लॉ इज एन एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट। तो रेट लॉ एक एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट है, और इसकी हेल्प से भी हम किसी केमिकल रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं केवल उन्हीं केमिकल रिएक्शंस के लिए जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होंगी, मींस विच कंप्लीट्स इन मोर देन वन स्टेप। तो अकॉर्डिंग टू रेट लॉ हमें क्या पता चलता है, किस तरह से हम रेट लॉ के अकॉर्डिंग किसी केमिकल रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं। द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड ईच वन इज रेज टू सम पावर्स विच मे और मे नॉट बी इक्वल टू देयर स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशियंट। तो रेट लॉ के अकॉर्डिंग भी हम किसी केमिकल रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जिस तरह से वहाँ पर लॉ ऑफ मास एक्शन में हम एक्टिव मास का यूज़ कर रहे थे उसको डिफाइन करने के लिए, और तो एक्टिव मास भी क्या है, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, लेकिन यहाँ रेट लॉ में हम उस एक्टिव मास की जगह यूज़ करेंगे मोलर कंसंट्रेशन। तो रेट लॉ के अकॉर्डिंग किसी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन के लिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन किस तरह से लिखेंगे, कि तो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, और जो रिएक्टेंट्स की जो मोलर कंसंट्रेशन रिप्रेजेंट करेंगे उस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में, तो उन रिएक्टेंट्स के लिए कुछ पावर्स को भी हम वहां पर यूज़ करेंगे, और जो पावर रहेंगी उन रिएक्टेंट्स की उस रेट लॉ एक्सप्रेशन में, वो पावर हो सकती हैं उन रिएक्टेंट्स के स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशियंट के इक्वल, या उन रिएक्टेंट के स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशियंट के इक्वल नहीं भी हो सकती। तो इसके लिए यहाँ हम उसी तरह से एक एग्जांपल लेते हैं, व्हेन ए मोल्स ऑफ रिएक्टेंट ए रिएक्ट विद बी मोल्स ऑफ अदर रिएक्टेंट बी एंड वी गेट सम प्रोडक्ट्स। तो इस केमिकल रिएक्शन के लिए हम रेट ऑफ रिएक्शन का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन किस तरह से लिखेंगे अकॉर्डिंग टू रेट लॉ। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बोथ रिएक्टेंट्स ए एंड बी एंड ईच वन इज रेज टू पावर विच मे और मे नॉट बी इक्वल टू देयर स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशियंट। तो यहाँ पर मैंने जो रिएक्टेंट ए की मोलर कंसंट्रेशन की पावर को यूज़ किया है वो है अल्फा, और जो रिएक्टेंट बी की मोलर कंसंट्रेशन की पावर में जो यूज़ किया है वो है बीटा। और जब हम इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को रिप्लेस करेंगे बाय द साइन ऑफ इक्वलिटी, तो हम एक कांस्टेंट को यूज़ करेंगे, और वो कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, और वो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे
पहले की तरह ही स्मॉल के, और जो स्मॉल के है वो है रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन और वेलोसिटी कांस्टेंट और स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। तो जो रेट कांस्टेंट है उसको हम कई बार वेलोसिटी कांस्टेंट भी बोलते हैं और उसको कई बार स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट भी बोलते हैं। तो यहाँ पर हमने इस केमिकल रिएक्शन के लिए रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखा है, और रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या होता है? रेट लॉ एक्सप्रेशन इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन विच रिप्रेजेंट द रेट ऑफ रिएक्शन एंड दैट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इज रिटन अकॉर्डिंग टू रेट लॉ। तो जब भी हम किसी केमिकल रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन के मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को लिखेंगे अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, देन दैट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इज कॉल्ड रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो यहाँ पर जो हमने अल्फा और बीटा को यूज़ किया है उन रिएक्टेंट्स की मोलर कंसनट्रेशन की पावर में, वो क्या है? तो अल्फा इज़ द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट ए एंड बीटा इज़ द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट बी। अल्फा हमें रिप्रेजेंट करेगा उस केमिकल रिएक्शन के ऑर्डर को विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट ए, कि कितनी स्पीड से जो रिएक्टेंट ए है वो डिसअपियर हो रहा है उस केमिकल रिएक्शन में, और जो बीटा है, बीटा हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताता है विद रिएक्टेंट बी। इट मींस कि किस स्पीड से रिएक्टेंट बी की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है उस केमिकल रिएक्शन में। तो जो अल्फा और बीटा को हमने यूज़ किया था किसी केमिकल रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन में उन रिएक्टेंट्स की मोलर कंसंट्रेशन की पावर्स में, अल्फा और बीटा को ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएगी ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट्स ए एंड बी। तो जब हम उन पावर्स को ऐड कर देंगे तो हमें उस केमिकल रिएक्शन की ओवरऑल ऑर्डर का पता चल जाएगा विद रिस्पेक्ट टू ऑल रिएक्टेंट्स विच आर प्रेजेंट इन रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो जो वैल्यूज़ ऑफ अल्फा और बीटा है उनको हम केवल एक्सपेरिमेंट से ही डिटरमाइन कर सकते हैं, उनको हम थ्योरेटिकली फाइंड आउट नहीं कर सकते, क्योंकि जो एक्चुअल रेट ऑफ रिएक्शन रहेगी वो इन्हीं अल्फा और बीटा के ऊपर डिपेंड करेगी। जो एक्चुअल वैल्यूज़ ऑफ अल्फा एंड बीटा है उनको हम केवल एक्सपेरिमेंट से ही फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जब भी हम कभी भी रेट लॉ एक्सप्रेशन की बात करेंगे और वहाँ पर जो हम उन रिएक्टेंट्स की मोलर कंसंट्रेशन की पावर को रिप्रेजेंट करेंगे, वो सभी पावर्स को हमने फाइंड आउट किया है ओनली बाई एक्सपेरिमेंट। तो किस तरह से हम उन केमिकल रिएक्शंस के लिए रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखेंगे, तो यहाँ पर एक मैंने एग्जांपल लिया है इसके लिए। जो रेट लॉ एक्सप्रेशन रहेगा वो क्या रहेगा? रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट H2 की पावर 0, और जो क्लोरीन की मोलर कंसंट्रेशन की पावर है वो भी क्या है? 0। और यहाँ हमने इन पावर्स को फाइंड आउट किया है ओनली बाई एक्सपेरिमेंट। मतलब क्या है कि उस रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन 0 ऑर्डर की होगी विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट H2, और उस रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन 0 ऑर्डर की रहेगी विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट क्लोरीन। जब हम इस साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को रिप्लेस करेंगे बाई साइन ऑफ इक्वलिटी, तो हमें वहाँ पर एक कांस्टेंट को यूज़ करना होगा स्मॉल के, और स्मॉल के क्या है? रेट कांस्टेंट ऑफ दैट रिएक्शन। तो जो यहाँ पर हमें 0 मिल रही है इन रिएक्टेंट्स की मोलर कंसंट्रेशन की पावर, इसका मतलब क्या है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन रहेगी उस केमिकल रिएक्शन की वो इन रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती ही नहीं। तो जब भी हम यूज़ करेंगे पावर 0 किसी रेट लॉ एक्सप्रेशन में, इट मींस द कंसंट्रेशन ऑफ दैट रिएक्टेंट डज नॉट अफेक्ट द रेट ऑफ दैट रिएक्शन। तो उस केमिकल रिएक्शन में उस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चाहे हम ज़्यादा करें या कम करें, वो उस केमिकल रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट नहीं करेगी। तो यहाँ मैं एक एग्जांपल और डिस्कस करूँगा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए, जिसके लिए हमें रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखना होगा और उसको
और उस केमिकल रिएक्शन के लिए रेट लॉ एक्सप्रेशन हम किस तरह से डिराइव करेंगे इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ मैंने एक केमिकल रिएक्शन लिखी है, द रिएक्शन बिटवीन NO2 एंड कार्बन मोनोऑक्साइड वी गेट नाइट्रिक ऑक्साइड एंड CO2। तो दिखने में ये रिएक्शन एक सिंपल रिएक्शन लग रही है, एलिमेंट्री रिएक्शन लग रही है, लेकिन ये एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। इट मीन्स दिस रिएक्शन कम्प्लीट्स इन मोर देन वन स्टेप, कम्प्लीट्स इन मोर देन वन स्टेप। सो दिस रिएक्शन कम्प्लीट्स इन टू स्टेप, तो ये रिएक्शन कम्प्लीट होती है टू स्टेप्स में। तो जो स्टेप वन है इस केमिकल रिएक्शन का, उसमें क्या होता है कि टू NO2 मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करते हैं और हमें वहाँ से प्रोडक्ट मिल जाता है नाइट्रिक ऑक्साइड एंड NO3। और जो यहाँ NO3 बनता है वो क्या है, एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, और यही इंटरमीडिएट प्रोडक्ट इस केमिकल रिएक्शन के सेकेंड स्टेप में रिएक्ट करता है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, और वहाँ से हमें प्रोडक्ट मिल जाते हैं NO2 एंड CO2। तो जो फर्स्ट स्टेप रहेगा इस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का वो रहेगा स्लो स्टेप, एंड द सेकेंड स्टेप इज ए फास्ट स्टेप। तो जब हम इस केमिकल रिएक्शन के लिए ओवरऑल रिएक्शन लिखेंगे तो क्या रहेगा, यहाँ NO3 से NO3 कैंसिल हो जाएगा और NO2 से NO2 कैंसिल हो जाएगा, और हमें जो ओवरऑल रिएक्शन मिलती है वो क्या है, NO2 रिएक्ट विद कार्बन मोनोऑक्साइड गिव्स नाइट्रिक ऑक्साइड एंड CO2। ये वही रिएक्शन है जिसको हमने सबसे पहले लिखा था। तो इस केमिकल रिएक्शन के लिए जो रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखेंगे हम, वो लिखेंगे उस स्लो स्टेप की हेल्प से। तो जो स्लो स्टेप में जो भी रिएक्टेंट्स होंगे उनको हम इंक्लूड करेंगे उस केमिकल रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए, बिकॉज द स्लोएस्ट स्टेप इज़ द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। तो ये भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो, उस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का जो स्लोएस्ट स्टेप होगा वही क्या रहेगा उसके लिए रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, विद द रेट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स रिएक्शन डिपेंड्स ऑन दैट स्लोएस्ट स्टेप ऑफ दैट रिएक्शन। तो इस केमिकल रिएक्शन के लिए रेट लॉ एक्सप्रेशन हम किस तरह से लिखेंगे कि जो स्टेप फर्स्ट है वो एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, बिकॉज दिस रिएक्शन कम्प्लीट्स इन सिंगल स्टेप। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेज और मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, एंड ईच वन इज रेज टू पावर इक्वल टू देयर स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशियंट। तो ये क्या बन जाएगा, NO2 की पावर 2। तो यहाँ से हमें रेट ऑफ रिएक्शन के लिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मिल जाता है। तो जब हम इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को रिप्लेस करेंगे बाय द साइन ऑफ इक्वलिटी, तो रेट इज इक्वल टू के NO2 रेज टू पावर 2। तो यहाँ पर NO2 की मोलर कंसंट्रेशन की पावर 2 है। तो ये जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हमें मिलता है इस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए वो क्या है, रेट लॉ एक्सप्रेशन है। तो ये जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है ये है रेट लॉ एक्सप्रेशन फॉर दैट कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो उस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए ये रेट लॉ एक्सप्रेशन रहेगा, और हम देख सकते हैं कि इस रिएक्शन में जो हमें एलिमेंट्री रिएक्शन दिखाई दे रही थी लेकिन वो एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, इसका स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, लेकिन इस केमिकल रिएक्शन के रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो NO2 रिएक्टेंट है उसकी मोलर कंसंट्रेशन की पावर 2 है। और इस तरह से जो ये पावर 2 हमें मिलती है वो हम फाइंड आउट करते हैं एक्सपेरिमेंटली। वी कैन नॉट डिटरमाइन द पावर ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ एनी रिएक्टेंट इन रेट लॉ एक्सप्रेशन थियोरेटिकली, बट वी कैन फाइंड दैट पावर ओनली बाय द एक्सपेरिमेंट। तो इस तरह से हम हर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए रेट लॉ एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। तो उसके हमें जो स्टेप्स होंगे, जितने स्टेप्स में वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कंप्लीट होती है, उन सभी स्टेप्स को लिखना होगा, और उन सभी स्टेप्स में से हम देखेंगे कि कौन सा स्टेप स्लोएस्ट स्टेप होगा,
वही उस केमिकल रिएक्शन का रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। तो और उसी स्टेप के लिए हम रेट ऑफ रिएक्शन के लिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखेंगे और हर रिएक्टेंट की पावर वही लिखेंगे जो उस स्टेप में उन रिएक्टेंट्स की स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट होगी। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि इस केमिकल रिएक्शन के रेट लॉ एक्सप्रेशन में हमने रिएक्टेंट कार्बन मोनोक्साइड को इंक्लूड नहीं किया है। इसका मतलब तो यहाँ पर जो रिएक्टेंट है कार्बन मोनोक्साइड, उस कार्बन मोनोक्साइड की कंसंट्रेशन पर उस केमिकल रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड नहीं करती। तो हम इसको लिख सकते हैं इस तरह से भी कि रेट इज इक्वल टू के मोलर कंसंट्रेशन ऑफ Na2 रेज टू पावर 2 एंड कार्बन मोनोक्साइड कंसंट्रेशन रेज टू पावर 0। सो द रेट ऑफ दिस रिएक्शन इज ऑफ सेकेंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट Na2 एंड 0 ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट कार्बन मोनोक्साइड। कार्बन मोनोक्साइड की कंसंट्रेशन चाहे हम ज़्यादा रखें या कम रखें, वो उस केमिकल रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट नहीं करती। क्योंकि इस रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो कार्बन मोनोक्साइड की वो मोलर कंसंट्रेशन है उसकी पावर है 0। इट मीन्स द रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑफ 0 ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट कार्बन मोनोक्साइड। तो इस तरह से हम किसी केमिकल रिएक्शन की रेट लॉ एक्सप्रेशन को हम लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रेट लॉ।